बॉलीवुड में अपने माँ के किरदार के लिए जानी वाली एक्ट्रेस निरूपा रॉय के परिवार में कलह शुरू हो गया है। दरअसल निरूपा रॉय के बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे किरण और योगेश में जमकर हाथापाई हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को कॉल करके निरूपा रॉय के छोटे बेटे किरण ने कहा है कि उनके बड़े भाई ने उनके साथ मारपीट की है। बताया गया है कि योगेश ने घर में आकर गाली गलौज करना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें रोका गया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उस वक्त वो काफ़ी नशे की हालत में थे। उसके अलावा बताया गया है कि योगेश ने छोटे भाई किरण की पत्नी को भी मारा। लड़ाई झगड़े की सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं योगेश ने उल्टा किरण पर भड़काने का आरोप लगाया है। योगेश के मुताबिक किरण ने अपार्टमेंट की सभी लाइट्स ऑन रखी थी और तीन तीन ऐसी एसी भी चला रखा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में लगी हुई है।